हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालकुआ में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। आज दूसरे दिन भारी फोर्स के बीच में करीब 4000 जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाया जाना है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश किया है कि 4000 जो रेलवे भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारी हैं उनको हटाया जाना है। आज दूसरे दिन भी जिला प्रशासन और रेलवे की कार्रवाई जारी है। देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी JCB मशीनें और यहाँ पोकलैंड मशीनें लगाई गई है जहाँ कच्चे पक्के मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि इकबाल बताया था कि रेलवे की ज़मीन पर ये लोग अनाधिकृत रूप से बसे हुए हैं और नई ट्रेन के लिए जगह की आवश्यकता है। कल भी हमने अतिक्रमण हटाया था, लगभग 250 जो है अतिक्रमण हटाया गया था पक्की कच्चे मिला करके, और उसी क्रम में आज भी जो है अतिक्रमण हटाने का चल रहा है। अब देखते हैं शाम तक कितना हट पाता है, उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। देखिए संख्या का अनुमान लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि देखा आप भी देख रहे होंगे झोपड़ियों की शक्ल में है, तो एक एक झोपड़ी के बगल में दो दो तीन तीन है, तो संख्या का अनुमान लगाना तो मुश्किल है। मोटा मोटी रेलवे ने अपनी जमीन को डिमार्केट किया है और उस डिमार्केशन के अंदर आने वाले लोगों को हटाया जाना है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन इस जो अतिक्रमणकारी है उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है, अवैध कब्जों को लेकर गंभीर है। भारत पंडित PTV भारत लालकुआं।